हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इस चटनी को आप समोसा, खस्ता कचौड़ी, आलू का पराठा या किसी भी पूड़ी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप फ्रिज में रख कर 10 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बाहर रखते हैं तो 2-3 दिन के अंदर इसको फिनिश करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको बीच में से काट कर इसका वेस्ट पार्ट निकाल लेंगे इस तरह से। मैंने थोड़ी सी इमली भिगोई हुई है, इस इमली को अच्छे से मसल लेंगे। इस इमली को आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इमली डाल सकते हैं या फिर वैसे बिना इमली का ही टमाटर चटनी बना सकते हैं। इमली डालने से इसमें खट्टापन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। अब इमली के पानी को टमाटर में डालकर उबाल लेंगे करीब 1-2 मिनट। ये टमाटर हमारा उबल चुका है, अब हम इसका छिलका उतार लेंगे ठंडा करने के बाद। ये देखिए, मैंने सारे टमाटर छील लिए हैं और ये जो बचा हुआ पानी है उसको डाल देंगे साथ में ही, और टमाटर को हल्का हल्का काट लीजिए जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए, और इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए। ये देखिए, हमारी प्यूरी तैयार हो गई। अब चटनी में डालने की जो सामग्री है वो मैंने ले लिया है। इसके लिए मैंने गुड़ लिया है, आप चाहें तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और वैसे मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल करूँगी, ये गुड़ आपका करीब 150 ग्राम है। मिर्ची पाउडर ले लेंगे, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर और नमक ले लेंगे। तड़के के लिए हम लेंगे राई के दाने 1 छोटे चम्मच, मेथी के दाने 1/2 छोटा चम्मच, जीरा का 1 छोटा चम्मच और सौंफ है 1 छोटा चम्मच। मैंने लहसुन छील लिया है, 4-5 कलियां हैं लहसुन की, अदरक के टुकड़े, मिर्ची 3-4 और करी पत्ता। सबसे पहले मैंने मिर्ची के जो बीज हैं उसको मैंने निकाल लिया है इस तरह से काट कर, क्योंकि मिर्ची के जो बीज हैं वो तेल में जाने के बाद पॉप करते हैं और इनका कोई भी काम नहीं होता है। मिर्ची तो हम सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका टेस्ट जो होता है बहुत सोंधी सोंधी आती है, इसलिए इसको बीज को निकाल लेंगे। आप चाहें तो सिंपल इसको बीच में से तोड़ दीजिए और बीज को सारा निकाल दीजिए। इस तरह से ये देखिए, मिर्ची हमारी तैयार हो गई तड़के के लिए। सारे बीज निकल चुके हैं, अब लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अदरक को भी बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। गैस पर पैन रखेंगे और उसमें करीब 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर जो तड़के का सामग्री है सबको डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए, तड़का हमारा सुनहरा हो चुका है, अब हम इसमें
लहसुन डालेंगे, इसको भूनेंगे कुछ समय देर समय तक। ये थोड़ा ब्राउन हो जाए देखिए हमारा लहसुन का कलर बहुत अच्छा आ गया है, पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम मिर्ची डालेंगे, सूखी मिर्ची। इसके बाद अदरक कटे हुए जो है उसको डालकर भूनेंगे उस समय तक, और करी पत्ता डाल देंगे। इसके बाद हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच डालेंगे। इसके बाद जो हमारा प्यूरी है टमाटर का उसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मिर्ची पाउडर करीब आधा छोटा चम्मच डालेंगे, या फिर आपको जैसा खाना हो। मैंने इसमें करीब एक चम्मच इस्तेमाल किया है। गुड़ को मैंने तोड़कर छोटा छोटा कर लिया है जिससे जल्दी से पक जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको पकने देंगे। देखिए उबाल आ गया है और इसको करीब 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमारी चटनी पक चुकी है। अब हम इसमें नमक आधा छोटा चम्मच डालेंगे और चाट का मसाला आधा छोटा चम्मच डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। Thank you, bye bye, keep watching my video and enjoy it.